हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए एक नई जानकारी लेकर आए हैं, जिसमें हम बताएंगे जिन हमारे किसान भाइयों ने अभी तक अपना पीएम किसान पर ईकेवाईसी नहीं करवाई है, जिस वजह से उनके खाते में पैसा नहीं आ रहा है। तो आज हम आपको मोबाइल से ही पीएम किसान पर ईकेवाईसी किस प्रकार से की जाती है, आप घर बैठे ही अपनी ईकेवाईसी कर सकते हैं, ताकि आने वाली किस्तों का पैसा आपके खाते में समय पर आए, किसी भी प्रकार की आपको समस्या ना आए। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। हम आपको मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर चलते हैं, जिसमें हम आपको पीएम किसान की वेबसाइट खोल करके आगे की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने अपना गूगल क्रोम ओपन कर लिया है। इसमें हमें लिखना है pmkisan.gov.in, इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम पीएम किसान पर क्लिक करते हैं, तो कुछ इस प्रकार की जानकारी हमारे सामने आती है, जिसमें लिख कर आ रहा है, सभी पीएम किसान लाभार्थियों के लिए ई केवाईसी की समय सीमा 31 जुलाई 2022 तक बढ़ा दी गई है। तो देखिए किसान भाइयों, जिन जिन का पीएम किसान में ई केवाईसी अभी तक नहीं हुआ है, तो उन लोगों के लिए यह खुशखबरी है, क्योंकि हमारी जो ईकेवाईसी की लास्ट डेट है वह 31 जुलाई 2022 तक बढ़ा दी गई है। तो आप 31 जुलाई 2022 तक ईकेवाईसी कर सकते हैं। अब ईकेवाईसी आपको अपने मोबाइल से करना कैसे है, वो देखिए हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो जैसे ही आप स्क्रीन को थोड़ा नीचे लेकर जाएंगे, तो आपको एक ऑप्शन खुल के आएगा, एक न्यू ऑप्शन है, उसमें लिख के आ रहा है ईकेवाईसी न्यू, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको आधार संख्या भरने के लिए ऑप्शन खुलकर आएगा। तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर टाइप करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैं अपना यहाँ पर आधार नंबर टाइप कर रहा हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर अपना आधार नंबर टाइप करेंगे, इसके बाद आप खोज पर यहाँ पर सर्च कर देंगे, तो आपका आधार नंबर पीएम किसान पर रजिस्टर्ड है। जिसका आधार नंबर पीएम किसान पर रजिस्टर्ड होगा, उसके लिए ही आगे के लिए मोबाइल नंबर के लिए ऑप्शन खुलकर आएगा। जिसका पीएम किसान पर आधार कार्ड रजिस्टर्ड नहीं है, उसके लिए यह ऑप्शन खुलकर नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है और मोबाइल ओटीपी प्राप्त पर आप क्लिक कर देंगे। तो इसमें लिख के आ रहा है ईकेवाईसी इज ऑलरेडी डन ऑन पीएम किसान पोर्टल। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने पीएम किसान पोर्टल पर अपना केवाईसी पहले से ही कर लिया है, इसलिए देखिए फ्रेंड्स यहां पर लिख कर आ गया है ईकेवाईसी पहले से ही पीएम किसान पोर्टल पर किया जा चुका है। अगर आपका इस तरह का लिख कर आ जाएगा, तो आपको फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका केवाईसी पहले से ही हो चुका है। और अगर नहीं आएगा, तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, जिस ओटीपी को आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आपका वेरीफाइड हो जाएगा। जैसे ही वेरीफाइड हो जाएगा, तो आपके पे एक ऑप्शन लिख कर आ जाएगा कि आपका ईकेवाईसी पूरा हो चुका है, सबमिटेड। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।